लला खींचू या सवाल पूछूंगा? पहले झूठ में सिलेंडर फोड़ दूंगा, इस कमरे में सारे के सारे मर जाएंगे। आप पुल के स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, पुल के डिजाइन में कोई गड़बड़ी थी? नहीं, डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फिर क्या नहीं था? सब स्टैंडर्ड मटेरियल, जल्दबाजी, पोर कॉलम सपोर्ट, यहां तक कि व्हीकुलर ट्रैफिक की कैलकुलेशन भी नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैं आपसे नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, आप ठेकेदार हैं ना पुल के, आपने बहुत पुल बांधे हैं, इस पुल में क्या गड़बड़ी हुई थी? गलती हो गई हमसे। गलती हो गई? बहुत खिलाना पिलाना पड़ा, इसलिए हुई। इसको खिलाया? इसको खिलाया? मैंने 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 खाया, मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया, हद से ज्यादा खाया, पार्टी फंड के लिए खाया, अपने लिए खाया, लेकिन आज तक कोई पुल गिरा नहीं। यू नो दिस इज जस्ट एन एक्सीडेंट। तो जिस पुल के नीचे मेरा बच्चा दब के मर गया, उस पुल के पैसे आपकी पार्टी ने खाए? आपने खाए, राइट? देखो, पार्टी पॉलिटिक्स में हर एक नोट का रंग नहीं देखा जाता। जिस चीज के बारे में समझते नहीं। अरे तेरे, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। सब सेफ है? सही शो सेफ है। तेरे बेटे कान के 2 इंच दूर से मैंने गोली चलाई, तेरी सिसकी निकल गई। मेरे बेटे को तुम लोगों ने हजारों टन सीमेंट कारा पत्थर के नीचे रौंद डाला। मेरे बच्चे को मैं ठीक से विदा नहीं कर पाया। अस्पताल वालों ने उसको छोटी थैली के अंदर भर के दिया था। उसको समझ में नहीं आया कि मैं इसको दफनाऊं, इसको जलाऊं। कोई पैतरेबाजी नहीं, सिर्फ जवाब। मैं तो इस कमरे के अंदर सबको जलाकर राख कर दूंगा। देखो, तुम शांति रखना, हम तुमको भरपूर पैसा देंगे। देखो, क्या क्या तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं सब सच, सिर्फ सच। No more games. Sach. Sach. Sach darauna hai. Dil dehal jayega. Sarkar bhrasht hai. Ye sach nahi hai. भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सच है। ये जो अखबारों में अजीब बड़ी खबरें सुनने में आती हैं, 70,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, ये अजीब सी इम्पॉसिबल रकम क्या सारे में एग्जिस्ट करती है? हमें से कईयों के पास है, बाकी है। चाहे कुर्सी पर बैठे हो कि नहीं बैठे हो, दूसरा बैठा हो, दुकानदारी चलती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो अपोजिशन ठेका, करोड़ों अरबों का ठेका है, अकेले से नहीं होगा। हाँ, तो फिर 120 करोड़ के बारे में सोचने का टाइम कहाँ होगा? 120 करोड़, मैथ गड़बड़ है तुम्हारा, बटे हुए हो तुम लोग,
धर्म, जाति, प्रांत, हम फिगर्स एनालाइज करते हैं। 120 करोड़ नहीं, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होगा। लकड़ी का बंडल नहीं, अलग अलग लकड़ियां जो टूट जाती हैं आसानी से, तभी तो हम तुम्हें। जूतियों के नीचे ढूंढते हैं हम तुम्हें। तो ये कोई स्कैम स्कैम नहीं है, ये असल में आप लोगों का प्राइमरी धंधा है, राइट? लेकिन हम लोगों को खुश करने के लिए भी तो आप बहुत कुछ करते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म तक पहनते हैं। देखो, जीन्स पहने हुए हमने से किसी को देखा है कभी आज तक? और पार्लियामेंट जाते हैं, असेंबली जाते हैं, वहां जाके बहस करते हैं, धूप में गर्मी में भाषण देते हैं और वोट भी तो मांगते हैं। जो अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, उन्हें साइड कर देते हैं। वो तो बस डेकोरेटिव पीस है हमारे लिए। पावर उन्हीं के हाथ में है जो कमा के दे सके। और वैसे गलती तो तुम्हारी है, हम सपने दिखाते हैं लेकिन तुम देखते हो सच्चाई दिखती ही नहीं है। सड़क कहां से बनेगी सबसे पहले पता हमें चलता है, तो आसपास की बेनामी जमीनें हम ही खरीदते हैं, हम ही सरकार को बेचते हैं और हम ही प्रॉफिट कमाते हैं। और डिटेल में जाऊं क्या? मैंने तो अपना पॉलिटिकल करियर अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिया है, लेकिन लेकिन धंधा बंद नहीं होगा। प्राइमरी बिजनेस कहा ना तुमने, प्राइमरी बिजनेस। और ये डंडा, पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन, वो बस तुम लोगों को डराने के लिए। बस ठीक है, खुश, जीत गए तुम, हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग? मेरा तो सब खत्म हो गया, मेरे तो किसी काम की नहीं है बातें। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, शायद आज नहीं कल नहीं, 5-10-15 साल बाद शायद कुछ। सब समझ गया मैं।